हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन की स्टोरेज है तो फ़ोन स्टोरेज को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और फ़ोन की जो स्टोरेज को आप कैसे खाली कर पाएंगे। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि फ़ोन स्टोरेज को खाली कैसे करें और क्लियर कैसे कर सकते हैं। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन सपने आएंगे, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स भी हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन की स्टोरेज है तो फ़ोन स्टोरेज को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है। तो आपको रैम एंड स्टोरेज सेटिंग्स पे जाना है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो मैनेज स्टोरेज सेटिंग्स पे जाकर जो हमारी फ़ोन की स्टोरेज है इसका यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से स्टोरेज को आप खाली भी कर पाएंगे। किसी भी ऐप्स को डिलीट करके फ़ोन स्टोरेज खाली कर सकते हैं, यहाँ से फ्री आप स्पेस कर देंगे तो स्टोरेज खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से भी स्टोरेज को आप खाली कर सकते हैं सेटिंग्स पे जाकर, तो स्टोरेज स्पेस को बढ़ा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेटिंग्स आ गई हैं। तो आपको यहाँ से फ़ोटो गैलरी पर जाना है, तो फ़ोटो गैलरी पर जाकर भी स्टोरेज को आप खाली कर पाएंगे। कोई भी फ़ोटोज़ को आप सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। फिर लाइब्रेरी पे जाना है, लाइब्रेरी पे जाते ही आपको ट्रैश पे जाना है। ट्रैश पे जाकर इसको ओपन करना है, फिर इसको आपको रिस्टोर कर देना है। तो रिस्टोर करते ही जो फ़ोन की स्टोरेज हमारे फ़ोन में खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से भी फ़ोन की स्टोरेज को आप खाली कर सकते हैं। और साथ में देख सकते हैं कि जो फ़ोन की स्टोरेज है इसको खाली कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आता है आई मैनेजर क्लीनर, तो इसके जरिए आप फ़ोन की स्टोरेज को क्लियर कर सकते हैं। स्कैनिंग चल रहा है तो स्कैनिंग चलने देना थोड़ी देर। फिर आपको ऑप्टिमाइज करना, सबसे पहले तो फ़ोन को जो भी जंक फाइल्स वगैरह होंगी हमारे फ़ोन में शो हो जाएंगी ऑप्टिमाइज करते ही। ये हो गया, फिर आपको डन करना है। डन करते फिर आपको स्पेस स्क्रीन अप पे जाना है, स्पेस स्क्रीन अप को ओपन कर लेना है। इस तरीके से ओपन कर लेंगे, यहाँ से आपका 201 MB है जिसको हम क्लीन कर सकते हैं यानी क्लियर कर सकते हैं। तो आप क्लीन अप पे क्लिक करना और जो भी हमारी MB होगी ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी 200 MB, जिससे हमारी जो फ़ोन स्टोरेज है खाली हो जाती है। तो इस तरीके से फ़ोन की स्टोरेज को आप खाली कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से वीडियोज़ वगैरह डिलीट करके भी स्टोरेज खाली कर पाएंगे। इस तरीके से सेलेक्ट करना है, जो आपको डिलीट करना चाहें तो इस तरीके से करना है और ओके कर देना है, तो ये डिलीट भी हो जाएगी और स्टोरेज भी खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप स्टोरेज को खाली कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो पर इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।